दोस्तों, क्या आपने कभी अंजीर बनता हुआ देखा है? और अंजीर में कौन से जानवर का मीट मिलाया जाता है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, और किस जगह बनता है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फार्मिंग। इस प्रक्रिया में अंजीर यानी कि अंजीर के पेड़ से अंजीर को तोड़ लिया जाता है। इसे दुनिया का सबसे मीठा फल भी कहा जाता है। अंजीर के पेड़ की एक खास बात होती है कि जब यह फल देना शुरू करता है तो यह कम से कम 50 साल तक फल देता है, और यह जो फल होता है वह गर्मियों के मौसम में पूरी तरीके से पक जाता है और यह ग्रीन से येलो कलर का हो जाता है। इसके बाद यह किसान द्वारा तोड़ लिया जाता है, और तोड़ने के बाद इसे पानी में डालकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, और पानी में डालने के बाद इन्हें चेक किया जाता है कहीं इनमें कीड़े तो नहीं। आमतौर पर इस फल में ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं, और इसे पानी में रखने के दो कारण होते हैं। पहले कि यह फल पूरी तरीके से साफ हो जाता है, और दूसरा आगे आने वाली ड्राइंग प्रक्रिया में मदद मिलती है। इसके बाद आता है कटिंग का प्रोसेस। इस प्रक्रिया में अंजीर के डंठल वाले भाग को काट लिया जाता है और फिर इन्हें फिर से धो लिया जाता है। टुकड़े करते वक्त उनके बीच में एक होल किया जाता है, इसलिए अंजीर के बीच में एक होल आता है। तो अब चलते हैं अंजीर की ड्राइंग प्रक्रिया की तरफ। इसमें सबसे पहले अंजीर के कटे हुए टुकड़ों को धूप में सुखाया जाता है। करीब 3 से 4 दिन धूप में सुखाने के बाद अंजीर सूखने लगता है, और जैसे जैसे वह सूखता है इसका साइज भी छोटा होने लगता है। तब यह अंजीर खाने लायक तैयार हो चुका है, लेकिन इसे बाजार में बिक्री करने से पहले फैक्ट्री में लाया जाता है और इन्हें एक केमिकल वाले पानी से धोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनमें कोई बैक्टीरिया ना रह जाए और यह ज़्यादा दिनों तक खराब भी ना हो, और इसी की वजह से उनमें जो चमक होती है वह ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। और इसे इन केमिकल वाले पानी से धोने के बाद फिर से एक नॉर्मल पानी में धोने के लिए भेजा जाता है ताकि इनमें जो केमिकल होता है वह निकल जाए। फिर आता है एक आखिरी प्रोसेस। इसमें उन्हें एक बार फिर से ड्राई किया जाता है, क्योंकि केमिकल वाले पानी और साफ पानी से धोने की वजह से ये गीले हो जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्म हवा से ड्राई किया जाता है। और फिर होती है इनकी पैकेजिंग। अंजीर को पैकेट में पैक करने से पहले उसे माला की तरह धागे में पिरोया जाता है। इसके बाद यह दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस प्रक्रिया के बाद इसको एक बार फिर से चेक कर लिया जाता है, और फिर इन्हें इनकी वजन और क्वालिटी के हिसाब से पैकेट में भर दिया जाता है। आमतौर पर इन्हें पैकिंग के लिए प्लास्टिक की पन्नियों में पैक किया जाता है, और फिर इन्हें मार्केट में सप्लायर के पास भेज दिया जाता है। वैसे तो उनके अंजीर मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें जो अलग होती हैं, जैसे कि ये लोग अंजीर को कट नहीं करते बल्कि उसे एक जगह प्रेस किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए पहले तो अंजीर को करीब 7 से 8 घंटे तक सुखाया जाता है, उसके बाद उन्हें मशीन के जरिए प्रेस किया जाता है, यानी कि इसमें एक अंजीर का रिंग पूरा एक अंजीर ही होता है। इसमें कटिंग नहीं करते और उसे पूरी तरीके से सिर्फ धूप में सुखाया जाता है, यानी कि यह पूरा प्रोसेस सन ड्राई होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए कई लोगों का मानना है कि जो हैंडमेड अंजीर होता है वह ज़्यादा सेहतमंद होता है। अंजीर में कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरोजेनिक एसिड जैसे कई हेल्थी केमिकल्स होते हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अंजीर बनने का प्रोसेस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।